वेलकम टू एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी एक्सेल की वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक एडवांस कंडीशन फॉर्मेटिंग के ऊपर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर मेरे पास एक ड्रॉपडाउन है या एक मेरे पास यूनिक वैल्यू है, मैं चाहता हूं मैं वो यूनिक वैल्यू सिलेक्ट करूं और उसके अकॉर्डिंग मेरे रोज और मेरे कॉलम्स ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाएं, तो ये हम कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू कैसे कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट एक्सेल की वीडियोज़ मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट बनाया आप लोगों के लिए और मेरे पास यहाँ पे मैंने ऑप्शन दिया नेम और नेम टू। अब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पे एक नेम लिखूँ और मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाऊँ और यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल नेम्स हैं। जैसे ही मैं इधर कोई भी एक नेम लिखूँ उसके अकॉर्डिंग ये नेम्स हाईलाइट हो जाए, तो कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैं नेम्स के कॉलम को हाईलाइट कर देता हूँ जहाँ पे मेरे नेम्स हैं। मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, मैं न्यू रूल में जाता हूँ। यहाँ पे हमें यूज़ करना है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विद द सेल टू फॉर्मेट। हमें फॉर्मूला सेलेक्ट करना है। मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसने मुझे ऑप्शन दिया। मैं सबसे पहले क्लिक करूँगा और इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रीज हो गया, ये लॉक हो गया है। ये मेरा रोज, मेरा ये वाला रो, ये वाला सेल एग्जैक्टली ये लॉक हो गया है। तो ये कैसे हटा सकते हैं? आप इसको सेलेक्ट करिए और ये रिमूव कर दीजिए, तो ये अब अनलॉक हो चुका है। अब मैंने इधर एक और इक्वल्स टू डाला, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जहाँ से मैं नेम सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं फॉर्मेट में गया, मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। लेट्स टेक, मैंने मुझे ब्लू कलर पसंद है तो मैंने ब्लू सेलेक्ट कर लिया और मैंने ओके कर दिया। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी नाम लिखूंगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे हाईलाइट कर देगा, जैसे राम। देखिए, अगर मैं रॉबर्ट लिखता हूँ, रॉबर्ट, तो देखिए रॉबर्ट हाईलाइट कर दिया। अगर मैं गोपाल लिखता हूँ, देखिए। सो ये तो था ट्रिक नंबर वन। ट्रिक नंबर टू है, मैं अगर यहाँ पे कोई भी नेम लिखूँ उसके अकॉर्डिंग मेरे ये रोज हाईलाइट हो जाएं, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने एंटायर डेटा सेट को सिलेक्ट कर लिया, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में गया, मैं न्यू रूल में गया, मुझे सेम वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल इज फॉर्मेट। सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने किया, अगर आप इक्वल्स टू पुट करना चाहें इक्वल्स टू पुट कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए, ये जो है ये मेरा कॉलम है, तो मैं चाहता हूँ मेरा रोज में, आप देख सकते हैं यहाँ फ्रीज हो चुका है, मैं रोज से अनफ्रीज कर दूँ और मेरे कॉलम फ्रीज ही रहे। मैंने कॉलम को अपना फ्रीज कर दिया। सिमिलरली मैं इक्वल्स टू करता हूँ और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं इनका कलर कर देता हूँ, ग्रीन कलर कर देते हैं। ओके ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे गोपाल सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक है, कुछ नेम नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेम सेलेक्ट हो जाए, लेट्स टेक, मैंने राम सेलेक्ट कर लिया। देखिए, इसने मुझे यहाँ पे नेम दे दिया है राम, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गोपाल ऑलरेडी सिलेक्टेड है जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड था, मगर जब मैंने राम सेलेक्ट किया, राम सेलेक्ट करते ही मेरे रोज भी हाईलाइट हो चुके हैं। सो देखिए, ये आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल है डेटा प्रेजेंट करने के लिए। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट भी बना सकते हैं आप चाहें तो। मैं थोड़ा और यहाँ पे दिखा देता हूँ, अगर आप चाहें गोपाल लिखना, यहाँ पे गोपाल कर दीजिए तो ये पूरे को हाईलाइट कर देगा
और सबको ग्रीन में शो कर देगा। अगर आप चाहें यहाँ पे राम हाईलाइट हो, राम हाईलाइट कर दिया और गोपाल के रोज हाईलाइट कर दिए। सो इस प्रकार से आप अपने रोज और अपने कॉलम्स को हाईलाइट करा सकते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा और आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, कमेंट्स देना मत भूलिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।